jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बच्चों के खेलने वाली गुड़ियों के अस्पताल के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि पुर्तगाल में ऐसा ही एक गुड़ियों का अस्पताल है। यहां बच्चों की गुड़ियों को रिपेयर किया जाता है। 200 साल पुरानी इस जगह का नाम है हॉस्पिटल ऑफ हॉरर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चों की गुड़ियों को रिपेयर करने वाली इस जगह को भूतहा क्यों कहा जाता है। सन 1830 में बने गुड़ियों के हॉस्पिटल में सालों से काम जारी है। असल पुर्तगाल में क्रिसमस के मौके पर टूटी फूटी गुड़ियों को सुधरवाने की परंपरा है। ऐसी भी परंपरा है जिसमें दादा दादी अपने बचपन के खिलौनों को संभाल कर रखते हैं, जिसे वे अपने पोत पोती को दे सकें। इस वजह से यहाँ पुर्तगाल की हजारों डाल सुधरने के लिए आती है। हालाँकि अंदर का मंजर देख कर लोग सहम जाते हैं। असल में यहाँ सैकड़ों डॉल्स के बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ पैर आंखें चेहरे बाल हर तरफ बिखरे होते हैं, जिसे देखकर लोगों को यहाँ डर का एहसास होता है। सन 1800 के आसपास इसी जगह पर एक बूढ़ी महिला जड़ी बूटी बेचा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले बच्चों की गुड़िया वो फ्री में सुधार देती थी। कुछ समय बाद इसी जगह के पीछे एक डॉल रिपेयर क्लिनिक शुरू हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डॉल रिपेयर सेंटर को हॉस्पिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग के लिए आने वाली डॉल्स का ख्याल हॉस्पिटल के मरीजों की तरह रखा जाता है। यहाँ डॉल्स को रिपेयर करने वाले वर्कर्स डॉक्टर्स की तरह व्हाइट कोट पहनने के साथ रिपेयरिंग के औजार टांगे रखते हैं।